उर्स पाक के अंतिम दिन दरगाह शरीफ पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 3 दिनों तक कव्वाली का शानदार आयोजन के साथ ही इस बार झांकी का शहर भ्रमण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आया। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 70वें उर्स पाक के अवसर पर सालाना उर्स कमेटी द्वारा कौमी एकता की मिसाल पेश की गई। बाबा का उर्स पाक मनाते हुए यहां पर सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में इस बार भी कोरोना काल की मार झेलने के बाद 4 साल बाद बाबा काबुली सरकार का उर्स पाक धूमधाम से मनाया गया है। गौरतलब है कि सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा व कमेटी के पदाधिकारियों की मेहनत से ये आयोजन सफल हो पाया है, जिसमें 4 दिवसीय आयोजन में देश के मशहूर कव्वाल द्वारा शानदार कव्वालियों का जंगी मुकाबला पेश किया गया, जिसे देखने व सुनने छत्तीसगढ़ अंचल सहित दूर दराज से लोग पहुंचकर बाबा के आस्थाने पर चादर चढ़ाकर अपनी हाजिरी दर्ज कराई। वहीं इस बार कव्वाली के साथ ही चादर व झांकी को देखने लोग रात भर संदल का नजारा देख लुत्फ उठाते नजर आए। गौरतलब है कि पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर बाबा के इस उर्स पाक में लोग बड़ी ही आस्था के साथ दूर दराज से पहुंचकर बाबा के आस्थाने पर हाजिरी देते हैं और अपनी मन्नतों मुरादों को पूरी करते हैं। इस अवसर पर सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा व कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी, यूनुस पटेल, हाजी साजिद अली, पीयूष देश लहरा, पाशी अली सहित कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने उर्स पाक को कामयाब बनाने अपना अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।